मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर पैटर्न, दोनों पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम हो सकते हैं उसके हिसाब से, और ऑफ कोर्स जो दूसरा पेपर जो है हमारा फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स, उसका भी पेपर पैटर्न आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो कॉलेजेस में होते हैं एग्जाम्स, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, उसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 50 मार्क्स का पेपर होगा उसमें, सबसे पहली बात तो ये है। 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में, और ये बोर्ड के तरफ से मतलब ये है पेपर पैटर्न एग्जैक्टली। तो 50 मार्क्स का जो सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस का है, 50 मार्क्स का सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस का जो पेपर पैटर्न है उसको फटाफट यहाँ पे आप पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब से पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफकोर्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होता है, आपको पता है। तो यहां पे तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जा सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आंसर इन वन सेंटेंस। आंसर इन वन सेंटेंस आपका 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का आंसर इन वन सेंटेंस आ सकता है। एक एक मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और एक चीज इसमें ये है कि आपको या तो सही होगा या तो गलत होगा, एक मार्क्स पूरे मिलेंगे या फिर एक मार्क्स पूरे कट जाएंगे अगर आपका गलत होगा तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर इन वन सेंटेंस होगा, सेकंड इसमें राइट अ वर्ड और फ्रेज जैसा आता है क्वेश्चन वो आपको आने वाला है, और वो भी 5 मार्क का होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्ट है, तो उसमें वन सेंटेंस पहले आ गया, वन वर्ड सेकंड आपका बी पार्ट में आ जाएगा, और तीसरा जो है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन में, उसमें भी जो ऑप्शन आपके सामने आते हैं उसमें से आपको एक आंसर सही करना होता है। ठीक है, और एक चीज कि जब भी आप आंसर लिखें, स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आंसर लिखो ऑब्जेक्टिव के, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो चाहे वन सेंटेंस हो, तो उसमें पूरा सेंटेंस जरूर लिखें, शॉर्टकट ना अपनाएं। मतलब जैसे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें सिर्फ ट्रू लिख दिया, क्वेश्चन नंबर डाला ट्रू लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद फिर आंसर लिखें, शॉर्टकट तरीका उसमें ना अपनाएं। वन वर्ड का क्वेश्चन है, पूरा सेंटेंस लिखें फिर उसके बाद आंसर लिखें। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरा सेंटेंस जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए बी सी तीन हिस्सों में बटा हुआ है, और इसमें 5 मार्क 5 मार्क और 4 मार्क, तो 4 मार्क का लास्ट है, मतलब टोटल 14 मार्क का आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। 50 मार्क्स में से 14 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 14 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर टू में एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंसेप्ट आपको मतलब बोला जा सकता है सॉल्व करने के लिए, और वो भी आपका 4 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन इसका मतलब इसमें 4, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो डिस्टिंग्विश में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और कितने मार्क का है, 8 मार्क का। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 4 मार्क का, 4 मार्क का आपको वहां पर डिस्टिंग्विश रहेगा। तो उसमें से आपको 2 छुड़ाने हैं, 3 में से 2 छुड़ाने हैं इसका मतलब। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में आंसर इन ब्रीफ होगा, और उसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन छुड़ाने होंगे 3 क्वेश्चन में से। 3 क्वेश्चन इसका मतलब आएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको कोई भी छुड़ाना पड़ सकता है। और 8 मार्क का ये भी होगा, 8 मार्क का, इसका मतलब 1 क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द फॉलोइंग आंसर ऑफ कोर्स, और उसमें भी 2 क्वेश्चन आपको छुड़ाने होंगे 3 में से, मतलब 3 दिए जाएंगे इसमें से 2 आपको सॉल्व करने हैं, वो भी 8 मार्क का ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर करें तो उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन आपको छुड़ाना होगा, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, और 8 मार्क का ये भी होगा। तो ये पूरा बाइफर्केशन आप देखोगे तो 50 मार्क्स का है, और 50% सिलेबस पे पूरा का पूरा आना चाहिए। ठीक है, 50% आप, जैसे आपके पास 12 चैप्टर है तो कम से कम 6 चैप्टर तक तो ये आपका सिलेबस में कवर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स के बारे में तैयारी, जो आपके पेपर पैटर्न दिया है इसके हिसाब से आपको 50 मार्क्स का पेपर कॉलेजेस में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जो बोर्ड एग्जाम्स का जो पैटर्न होगा उसको भी हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं आगे। ठीक है, चलिए, ओके, तो बोर्ड एग्जाम्स का पेपर का पैटर्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन 80 मार्क का जो पेपर होगा आप लोगों का, 20 मार्क्स का तो आपका एबीटी होगा, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, और 80 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में उसका पैटर्न अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो उसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये छोटी सी एक लिस्ट आपके सामने है, इन सभी लिस्ट में अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर, आपको ये सब एक्सरसाइज में मिल जाता है, ये सब एक्सरसाइज में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा लिखा है, चाहे आपको फटाफट मैं बता पाऊं, ठीक है। उसके बाद गिव वन वर्ड एंड फ्रेज, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, उसके बाद फाइंड ऑड वन, राइट, कंप्लीट द सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इन वन सेंटेंस और करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ये कुछ पैटर्न्स हैं आपके सामने, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि वन वर्ड अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम वालों ने पूछा तो इसमें 5 मार्क्स का रहेगा, इसमें से सभी 5 मार्क्स के आएंगे आपको और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अब पेपर पैटर्न में एग्जैक्टली ये बताया गया है विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन, 20 मार्क्स का ही है, ठीक है। बहुत सारे मतलब यहाँ पे ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन में 20 मार्क्स का लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं इसमें कि ऑब्जेक्टिव तो आपको अच्छे से करना ही है, उसमें कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पेपर बनाते समय या फिर पेपर पैटर्न ड्रॉ करते समय एग्जामिनर कुछ अलग भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, मतलब सिर्फ पीछे के एक्सरसाइज के करोगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से समझ के जाना तो फिर आराम से आपको क्लियरिटी रहेगी, कोई भी आ जाए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें से इसमें से कुछ भी आ सकता है। और जो एपीटी में पूछा जाएगा, एबीटी में पूछा जाएगा, उसमें शायद रिपीटेशन होने के चांसेस यहाँ पे कम होंगे। पिछले इसमें भी बताया था मैंने अकाउंट्स में कि रिपीटेशन होने के चांसेस कम है, यहाँ पे भी रिपीटेशन होने के चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया नहीं आएगा, चांसेस कम होंगे, फिर भी आप अपनी तैयारी उस हिसाब से रखें। तो ये तो पहले 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, अभी बैलेंस बचा है आपका 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स का पेपर कैसा होगा अब उसको देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये ऑब्जेक्टिव आएंगे 20 मार्क्स के लिए, और सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो पेपर पैटर्न में हम लोग एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव हम लोग ने कवर कर लिया था, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है 80 मार्क्स के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन द टर्म कोई भी डेफिनेशन वगैरह इसमें पूछा जा सकता है। एनी 4 आपको करना होगा, 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, इसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा, इसका मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आने वाला है, ठीक है। 8 मार्क्स को आपको 8 मार्क्स इजीली इसमें कवर किया जा सकता है, स्कोर किया जा सकता है, अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी अच्छे से आती होगी तो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, स्टडी द फॉलोइंग केस स्टडीज इसमें आ सकते हैं, सिचुएशन आपको दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो केस स्टडीज आप लोग अच्छे से पढ़िए, उससे बहुत बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में आपको एक सेंटेंस वगैरह लिखकर आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसमें भी ऑफ कोर्स कितने मार्क्स का है, टोटल 6 मार्क्स का होगा, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे 3 में से, आउट ऑफ 3 आपको 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब देखा जाए तो 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो मैं अभी कह रहा था शायद कि 1 सेंटेंस में भी आप कवर कर सकते हो, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो कम से कम आपके पास 3-4 पॉइंट तो होने चाहिए। तो 1 सेंटेंस में मत करना भाई, 3-4 पॉइंट जरूर लिख लेना, नहीं तो फिर आपको पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश में आपको ऑफकोर्स 4 में से 3 क्वेश्चन वहां पे डिस्टिंग्विश आपको छुड़ाने पड़ेंगे, मतलब 4 दिए होंगे उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और टोटल 12 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से सॉल्व करना और अच्छे से डिस्टिंग्विश को प्रेजेंट करना, तो उसमें भी आपको स्कोर आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आंसर इन ब्रीफ है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन दिए होंगे इसमें से 2 क्वेश्चन, टोटल कितने मार्क का है, 8 मार्क्स का है, इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, उसमें 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो छुड़ाने हैं 3 में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो जस्टिफाई द फॉलोइंग, उसमें आपको 4 में से 2 क्वेश्चन छुड़ाने हैं और ये भी 8 मार्क्स का है, इसका मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो इसमें लेटर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर्स आपको आने वाले हैं, लेटर्स आपको पता है कि कौन से चैप्टर 6, 7, 8, ये लेटर्स के कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लेटर आएगा, उसमें भी ऑफकोर्स 3 में से 2 आपको छुड़ाने हैं और यहां पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब 5 मार्क्स का एक लेटर आपको आएगा, ठीक है।
उसके बाद आंसर द फॉलोइंग में सिर्फ एक क्वेश्चन छुड़ाना होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन है छुड़ाना है, दो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से आपको एक करना है, और 8 मार्क का क्वेश्चन होगा ये पूरा, मतलब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जिसमें बहुत ज्यादा वेटेज होगा उसी में से क्वेश्चंस आपको बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। पढ़ना तो सब कुछ है ऑफकोर्स, लेकिन चैप्टर वाइज अगर आप वेटेज देखते हो तो उसमें जिसमें ज्यादा वेटेज होगा उसको अच्छे से आप कवर कर लेना। तो ये पूरा 80 मार्क का पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन था और बाद में ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए, कितने में से कितने छुड़ाने हैं, कितने मार्क्स का टोटल है मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से ये पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा 80 मार्क का पेपर। तो अगर हम यूनिट वाइज बाइफर्गेशन की बात अगर करें एसपी के इसमें, तो यूनिट वाइज बाइफर्गेशन आपके सामने यहाँ पे है एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक बार फटाफट शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यूनिट वाइज कितना वेटेज होगा मार्क्स में एसपी के पेपर में, 80 मार्क के पेपर में एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जो कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसमें दो चैप्टर आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है आपका एसपी में, फर्स्ट और सेकंड, उसमें 17 मार्क का विदाउट ऑप्शंस में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं 17 मार्क का, और विद ऑप्शन अगर देखा जाए तो उसमें 25 मार्क का आ सकता है। तो 17 मार्क ऑफकोर्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 17 मार्क का आ सकता है, तो ये तो आपके लिए स्कोरिंग है ऑफकोर्स किसी भी हालत में, ठीक है। सेकेंड आपका यहाँ पे कैपिटल रेजिंग के जो चैप्टर्स कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सब कैपिटल, ये चैप्टर के नाम है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो तीनों चैप्टर को मिलाकर टोटल आपको 24 मार्क का, वहां पे 24 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन 35 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, तो चैप्टर वाइज वहां पे बाइफर्गेशन कैसा है उसको समझ लेना, प्लानिंग करके पढ़ाई करो स्कोर अगर अच्छा करना है तो, ठीक है। ओके, थर्ड है करेस्पॉन्डेंस, वो जो लेटर्स के चैप्टर हैं, जितने भी लेटर्स के चैप्टर है उसकी अगर हम बात करें तो 6, 7, 8 है, तीन चैप्टर आपको लेटर्स के दिए हुए हैं, तो उस लेटर्स में विदाउट ऑप्शन आपको आएगा 13 मार्क का और विद ऑप्शन आपको आ सकता है 18 मार्क का। तो इस तरह से लेटर्स काफी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और लेटर बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए लेटर्स को भी बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम जो चैप्टर है, 9 चैप्टर सीधा सीधा है एक ही चैप्टर, उसमें 7 मार्क का आपको आ सकता है विद ऑप्शन 11 मार्क का आ सकता है। फिफ्थ में पेमेंट ऑफ डिविडेंड की अगर बात करें तो उसमें 10th चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर उसमें है, और उसमें 9 मार्क का आपको आ सकता है विदाउट ऑप्शन, और विद ऑप्शन आपको 13 मार्क का आ सकता है, 13 मार्क का उसमें आ सकता है। और लास्ट फाइनेंशियल मार्केट में दो चैप्टर आपके कवर होते हैं, 11 और 12, तो 11 और 12 कितने मार्क का आ सकता है आपको, 10 मार्क का, और विद ऑप्शन 14 मार्क का, 14 मार्क का विद ऑप्शन आ सकता है। ये यूनिट वाइज बाइफर्गेशन था, इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे से आपको बाइफर्गेट करके बताया गया है कि हाँ भाई कितने मार्क्स का कितने चैप्टर्स में पूछा जा सकता है। कहीं कहीं पे कंबाइन करके लिखा हुआ है, देखो जैसे तीन आप देखोगे ये तीनों कंबाइन करके लिखे हैं, मतलब सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, फिर 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8। तो प्रॉपरली प्लानिंग कर आप लोग जिसमें बहुत ज्यादा स्कोरिंग है उसमें आपको अच्छे से प्लानिंग कर आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट मतलब यूनिट वाइज, और अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 25% जो है वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट आंसर अगर आप देखा जाए तो 65% तक हो सकता है, और लॉन्ग आंसर देखा जाए तो उसमें 10% तक हो सकता है, मतलब परसेंटेज वाइज अगर बाइफर्गेशन करें तो ये छोटा सा उसमें ब्रीफ हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट की बात अगर कर लें जो कॉलेज में आपके होने वाले 20 मार्क के लिए, तो उसमें क्या पेपर पैटर्न होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने अभी बोर्ड पे है एग्जैक्टली कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो है 20 मार्क का उसमें क्या बाइफर्गेशन होगा, तो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड और रीराइट द सेंटेंस, ये आपको 4 मार्क का आने वाला है, ठीक है। मतलब अंडरलाइन और रीराइट द सेंटेंस 4 मार्क का वो आ जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। फाइंड द ऑड वन वो 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और केस स्टडीज आपको जो केस स्टडी दिया जाएगा जिसमें अपने आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है आंसर में, तो वो आपको एनी 3 करना होगा 4 में से। एनी 3 आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन करने होंगे और वो आपको 9 मार्क का होगा। तो टोटल एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो है वो 20 मार्क का, इस तरह से उसका बाइफर्गेशन है। इसको भी आप लोग अच्छे से करें, एनालिसिस करके पढ़ाई करें, 20 मार्क छोड़ना नहीं है, पूरे स्कोर करो, पूरा स्कोर करो, ये मेरा सजेशन होगा सभी बच्चों के लिए, ठीक है।
तो इस तरह से पूरा पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया, उसमें टर्मिनल एग्जाम, उसमें फाइनल एग्जाम, जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं कॉलेज में भी वही फॉर्मेट आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम्स के बारे में भी हमने बात की, जो बोर्ड एग्जाम्स में पेपर 80 मार्क का होने वाला है, प्री बोर्ड एग्जाम जो कॉलेजेस में होते हैं वो उसी बेस पे होंगे, ठीक है। तो पैटर्न आपको बड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट वगैरह अगर रहे तो आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न की। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल पे लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।